वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मणिपुर विच जो हिरदे बलूंदर वाली घटना वापरी है, बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक अते बहुत ही निंदन योग इसनू किया जा सकता। वो घटना जिन्हें हर एक दे दिल नू हिला के रख दिता। इहदी निंदा करन वास्ते हर पातशाह दे शब्द मुक जांदे। दो कबीलियां दा झगड़ा होया कि उन्होंने शड्यूल ट्राइब का जो हक मंगते सन, दूसरे कहिंदे नहीं लैन देना। उत्थे 800,000 व्यक्ति ने जाके हयूम ने हल्ला बोल दिता, गल कर दित्तियां। औरतां बच के जंगल वल भज्जियां, नाल उहदा बाप है, नाल भरा है, वह जंगल वाले पासे नूं भज्जदियां हन। तां पुलिस वाले भी पिछे जांदे है उन्होंने बचा के, जो लैके आ रहे थाने वाले पासे नूं। उस हयूम नूं पता लगता तो हयूम ने जाके उन्हां उत्ते हल्ला बोल दिता। हल्ला की बोलिया कि बाप ने जे बचाउण दी कोशिश कीती है, लड़कियां नूं खिच्चण दी, औरतां खिच रहे सन ते उसनूं गोली मार दित्ती। जे भरा ने बचाउण दी कोशिश कीती है, उसनूं गोली मार दित्ती, दोनों मरे गए। तिन्ना औरतां नूं नगन करके दड़ाया और जो जिसमानी तौर पर उन्होंने शोषण किया, जो जिसमानी तौर के उत्ते उन्होंने तशद्दुद किया, मेरी जबान विचों शब्द नहीं निकल सकते, क्योंकि मैनूं शर्म आ रही है कि मैं उहदे बारे कुछ बोलां। और जिस नौजवान का उत्थे उन्होंने समूहिक तौर के उत्ते बलात्कार करके उसकी जिंदगी नूं रोलिया, लीरो लीर किया उसकी इज्जत नूं, मैं समझदी हाँ कि ये वो देश है जिस देश के उस देश के लोग ने, जिस देश के लोगों ने हमेशा ही कहा कि औरत एक देवी है, तो देवी तरह पूजी जाती है। ये वो देश के लोग है जिथे गुरु नानक साहब ने कहा कि सो क्यों मंद आखिए जित जा मैरा जान, कि वो देश के लोग है जिथे गुरु साहबान ने कहा कि औरत मान है। ये वो देश है जिथे इनू जननी कह के औरत नू सत्कारिया जाता, जिथे इस नू देवी कह के पूजिया जाता। ये हवान ते शैतान अज लोगों का सिर नीवा कर दिता। अज देश की, हिंदुस्तान की आबरू ते इज्जत नू इस तरह मिट्टी च रोलिया कि शायद इस तो वड्डा कारा मैं समझदी हाँ कि अजे ना होया होवे। देशवासी, पंजाब अपनी स्टेट वासी, मणिपुर की स्टेट जिहड़ी है वह भी चुप, तो देश की सरकार भी चुप। 2 महीने बीत गए है, उन्होंने औरतों का जो पता नहीं कि वह कितने गई बाद विच, उन्होंने की वापरिया, इंसाफ तक की देना सी, उन्होंने होंद कित्थे है, वो जीवित भी ने कि है कित्थे है। जे 2 महीने इंसाफ नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ निकली, फिर कितने जाके प्रधानमंत्री जी कल बोले है, तो मैं समझती हाँ कि जे प्रधानमंत्री जी को 2 महीने बाद पता लगता है तो इस औरत की जिंदगी जी सुरक्षित कित्थे है। अज देशवासियों, तुहानू चिंतित होने की लोड़ है कि अज मनुख का ये जी मानसिकता नज़र आई है, एक बड़ी कमजोर नज़र आई है और माड़ी सोच का नतीजा निकलिया। मैं समझती हाँ कि देश की सरकारों अज जाग के रहना पवेगा कि जे वो औरत जिहड़ा देश का अद्धा हिस्सा है, वह औरत अज ये हशर होगा तो यह देश तरक्की किदा कर सकता। सो जिथे मेरी उन्होंने भैनों के नाल हमदर्दी है, जिथे मैं आप भी पीड़ित हुई हैं, आप भी दुखी हुई हैं, मेरी मानसिक तौर के उत्ते अज बहुत वड्डा बेचैनी अते बहुत वड्डा जख्म अज दिल उत्ते हुए है, मैं उन्होंने भैनों वास्ते अरदास करती हूँ सच्चे पातशाह उन्होंने इंसाफ दे और उन्हों का ऐसा हशर हो कि दुनिया के उदाहरण बन जाए, दुनिया एक इतिहास बन जाए कि जे कोई माड़े काम करता तो उसनों किन्नी कड़ी सज़ा दी जाती है। प्रधानमंत्री जी को, उस देश उस स्टेट की सरकार को मेरी बेनती है कि तुरंत ये इंसाफ दिता जाए और उन्होंने कड़ी सजावं दी जान, ता जो किसी का हीया ना पै सके कि वो औरत जी भैन के रूप में, जी पत्नी के रूप में, जी धी के रूप में, जी माँ के रूप में, दादी नानी के रूप में समाज की सेवा कर रही है, उसकी जिंदगी जी है इस तरह ना रुले। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।